अच्छा बेटा, यहाँ बैठ। मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है। ले खिचड़ी खा बेटा। पसंद आई खिचड़ी तुझे? और दूँ? बस माँ, पूरा पेट भर गया, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ, क्या मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी कल भी खाने आ सकता हूँ? कल ही क्यों बेटा, तू रोज मेरे पास खिचड़ी खाने आ जाए कर। कर्मा बाई की कुटिया में उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने पधारे थे, और अब रोजाना कर्मा बाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन कर्मा बाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं। तुम रोजाना सुबह पहले स्नान आदि क्रियाएं करके विधि विधान से पूजा करके ही भगवान कृष्ण का भोग बनाया करो। ठीक है बाबा, अब मैं स्नान करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। साधु की बात मानकर कर्मा बाई अगले दिन से स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस कार्य में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, पर वो बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। माँ खिचड़ी दो ना, जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। थोड़ी देर रुक बेटा, अभी देती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए भाग जाते थे। उन्हीं दिनों मंदिर के पुजारी, जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, ये जगन्नाथ भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? मंदिर में तो काफी दिनों से खिचड़ी का भोग नहीं लगा, फिर ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं। मेरी भक्त कर्मा बाई, जो जगन्नाथ पुरी में ही रहती है, वो बहुत ही प्रेम भाव से सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर कर्मा बाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्मा बाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने उसके पास आकर सुबह स्नान और पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब कर्मा बाई स्नान और पूजा के बाद भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती हैं। इन सब कार्यों में बहुत देर लग जाती है, मुझे बहुत तेज भूख लगती है। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातों को स्वप्न में सुनकर पुरोहित जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और कर्मा बाई के पास जाता है। कर्मा बाई, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारे लिए किसी नियम नीति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थीं, वैसे ही बनाकर भगवान का भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही सुबह जल्दी भोग बनाया करूंगी। अब कर्मा बाई फिर से पहले की तरह भगवान कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। ये क्रम कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्मा बाई परलोक से धार गई। हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आज आपके नैनों से अश्रु धारा कैसी प्रभु? हे भगवान जगन्नाथ, क्या अपराध हुआ हमसे जो अब दुखी हुए प्रभु? उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त कर्मा बाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई हैं। अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही उन्हें दुख है। अगले दिन, पुजारी जी, जो स्वप्न आपने देखा वही स्वप्न मुझे दिखाई दिया। भगवान जगन्नाथ की प्रिय भक्त कर्मा बाई अब इस लोक से विदा हो गई है। मैं चाहता हूँ आज से हर सुबह भगवान जगन्नाथ को कर्मा बाई के नाम से बनाई बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा करेगा, जिससे भगवान को कर्मा बाई की कमी न महसूस हो। जी महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को हर सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्मा बाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी के भोग से आज भी इस प्रथा को निभाया जा रहा है।